मूवी आउट हो गई है क्या कुछ कहें? फाइनली मूवी आउट हो गई है क्या कुछ कहना चाहें? कैसी लगी मूवी? अच्छी लगी, मतलब एक बहुत ही बोर्ड सब्जेक्ट भी, लेकिन उसका एंटरटेनमेंट का तड़का अक्षय कुमार की मतलब पिक्चर बहुत अच्छा। सो अक्षय कुमार भगवान शिव के रूप में कैसे लग रहे हैं? मतलब आज के टाइम ऐसा है कि भगवान को भी प्रूव करना पड़ेगा कि मैं भगवान हूँ, उस हिसाब से तो उनके एक्टिंग है बहुत अच्छी भी है, अक्षय कुमार ने ऐसा किया। ओके, यूथ को एक मैसेज देने की बात की गई है, उसके क्या कुछ, वो मैसेज के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो है यूथ को जो मैसेज दिया मैं बताना नहीं चाहूँगी, नहीं तो पिक्चर नहीं देख पाएंगे, मजा नहीं आएगा। बहुत जरूरी है और जिस तरीके से दिखाया है ना वो बहुत अच्छा। और बात करें तो सब अपने पंकज त्रिपाठी है इस बार परेश रावल की जगह पर, उनके लिए क्या? पंकज त्रिपाठी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, मुझे लगता है अक्षय और पंकज की और आगे की जोड़ी, मतलब ये दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। परेश रावल को कितना मिस किया? मतलब ये पंकज त्रिपाठी एक्चुअली बोलेंगे तो रोल पे फिट थे, तो जैसे परेश रावल पहले फिट थे, ये रोल ऐसा लग रहा है पंकज के लिए अच्छा लग रहा है। सो ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मूवी वर्थ है नहीं है? ये फिल्म एंटरटेनिंग है, मज़ेदार है, भगवान का भी इसमें बहुत मतलब है, लाइक एक विश्वास भगवान का विश्वास, ये दोनों एक चीज है वो है, यानी ओवरऑल पिक्चर है ना बहुत अच्छी सी देखने लायक है, एक बार मुझे देख सकते। सो 5 out of 5 कितना स्टार देना चाहेंगे? 4 star। मूवी आउट हो गई है क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसी लगी मूवी आपको? कैसी लगी मूवी आपको? एक अक्षय कुमार शिव के रोल में कैसे लग रहे हैं आप? अच्छे लग रहे थे, नेचुरल एक रोल, जैसे कि महादेव। ओके, और बात करें एक मैसेज देने की कोशिश की गई है यूथ को, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? या मैं देखूं, मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आजकल के जो पढ़ाई है ये पढ़ाई पढ़ानी चाहिए, ये नेचुरल चीज़ें जहाँ से हम आए हैं वही हमको सबको बताने चाहिए, बट जो आज के बाकी लोगों को ये नॉलेज नहीं रहता, डिप्रेशन में जाते हैं, तो हमको बताने चाहिए क्योंकि जहाँ से हम आए हैं और तो कहीं ना ये समझते हैं। और अक्षय कुमार के अलावा बाकी भी को स्टार से यामी गौती थी, उनकी एक्टिंग के बारे में किरदार बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी
यश रावल को कितना मिस किया आपने मूवी में? हाँ, ओके। और बात करें तो ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे, मूवी देखने लायक है या फिर कुछ कंट्रोवर्सी, जैसे भगवान का नाम लेते कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है आजकल मूवी में? करेक्ट, लेकिन वो लोग देखने से कुछ लगा ही नहीं, ऐसे कि बेमालूम है, मीन्स कि ये है वो है, मुझे नेचुरल रिकॉर्ड तो होना चाहिए, क्योंकि महादेव सीधे किसी भी किरदार में मीन्स भगवान के भगवान किसी के रूप में आ जाते हैं, वो इससे सेम था, और ऐसे उनको साई नहीं ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? और 5 out of 10 कितने स्टार देना चाहेंगे? ओके, थैंक यू सो मच सर। मूवी OMG 2 आउट हो चुकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसी लग रही है मूवी? फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, मैंने वाज एक्चुअली आज प्रीमियर था फिल्म का, इतना एक्सपेक्टेशन मुझको नहीं था, बट स्टिल मैंने एक इंडियन टू वॉच द फिल्म बनाई, स्टार्टेड गेटिंग सीप इनटू द कंटेंट ऑफ द फिल्म, आई रियली फेल्ट दैट द फिल्म इज वर्थ वॉचिंग, आई वाज वर्थ माय टाइम, आई रियली लव्ड एवरी बिट ऑफ इट। सो अक्षय कुमार एज ए शिव कैसे लगे आपको? अक्षय कुमार शिव नहीं थे, अक्षय कुमार शिव के मैसेंजर थे, और शिव पहले थे, उसके बाद जब कॉन्ट्रोवर्सीज दैट एंस्यू थिएटर ऑन, वो रोल चेंज हो गया, बीच बीच में डबिंग में भी वो पता चल रहा था, तो वो तो शिव नहीं थे, बट उनका जो मतलब किरदार था वो अगर नहीं भी होता तो भी पूरा फिल्म अलग से बन सकता था, इफ ही जस्ट वुड हैव बीन प्रेजेंट इन द स्पिरिचुअल रैम, ऐसा कुछ स्क्रीन पे लिखा होता, बट ही इज नॉट देयर इन पर्सन, मतलब शिव है, शिव इज इन द रियलम इन विच ही शुड बी, वैसा भी अगर होता था तो फिल्म बहुत अच्छी होती। सो यूथ को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? सिर्फ यूथ नहीं, सबको, यूथ के पेरेंट्स को भी, और एवरीबॉडी, मैसेज देने की क्या कोशिश की जा रही है, दिस इज रियल, दिस इज द रियलिटी, एवरीबॉडी मैस्टरबेट्स, पीपल हू आर लुकिंग एट मी व्हेन आई एम गिविंग दिस रिव्यू, इवन दे मैस्टरबेट, सो when you talk about masturbation, talk about pleasuring yourself, you're talking about giving birth to babies, talk about sexual abuse, all of these things are prevalent in the society. When a baby is born, a gender is assigned to the baby. You know, you're either a male or a female, and now you're a transgender. So all of these things are there right from the very beginning. So I don't think he has a special message that he goes to study. लेकिन जो जिस चीज़ पे पर्दा दिया हुआ था इतने दिनों से, वो पर्दा ऐसा निकाला है डायरेक्टर ने और राइटर ने, इट इज रियली कमेंड। ओके, बात करें तो परेश रावल को कितना मिस किया मूवी में? मैंने मिस नहीं किया, मैं भूल भी गया था, आई ट्रीटेड ओ माय गॉड 2 एज अ डिफरेंट फिल्म ऑल्सो। ओके, सो बात करें तो और भी एक्टर्स हैं, यामी गौतम एज अ लॉयर कैसी लग रही हैं? यामी गौतम वाज लुकिंग प्रीटी इन एवरी फ्रेम, बहुत ही खूबसूरत लगी, पर मुझे उसका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इमेच्योर्ड एंड नहीं, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेसिव लगी, शी सेइंग मास्टरबेशन इज सिनफुल, मतलब एक सीन है जहाँ पर वो एक 13-14 ईयर का लड़का जो है ही काइंड ऑफ रेजेस हैंड्स, ही सेड दैट आई मास्टरबेट टू, तो वो उसको घूम के बोलती है हू इज़ योर शेम, कौन है वो तुम्हारा बेशरम, हाँ शेमलेस बाप, तुम्हारा बेशरम बाप, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जो जिस तरह से उनका डायलॉग लिखा गया था, या तो शायद इट वाज़ ऑल ऑफ द फिल्म वाज़ उसी तरह से लिखा जाना था, बट बहुत ही रिग्रेसिव कैरेक्टर था, बट अगेन शी इज़ अ लॉयर हू इज़ अगेंस्ट द मोशन, सो इट्स ओके। सो ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से आई वुड से दैट ए सर्टिफिकेट जो दिया गया है फिल्म को, सबसे पहले तो मैं सेंसरशिप को बोलना चाहूँगा, ए सर्टिफिकेट जो दिया गया है फिल्म को, इट वाज रॉन्ग, सच टॉपिक्स आर देयर इन द सोसाइटी एंड एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट इट, यू डू टू एंड योर चिल्ड्रन डू टू, सो इट्स हाई टाइम दैट यू एक्सेप्ट इट एंड यू ओपनली टॉक अबाउट दिस टॉपिक, सो दैट ये सब फालतू गंदगी नहीं होती, मतलब everybody talks about all of these things, if you do not have an open conversation about this, then things will continue to be as regressive as they are, tum chahe jitni bhi 22vi sadi 23vi sadi 24vi sadi mein aa jao, your mindset will never evolve, so that's it. So 5 out of kitna star dena chahiye? 3.5 out of 5. Okay, thank you so much. So finally hi, main hu Russell Dissala, maine Oh My God 2 dekh liya. देखिए मुझे इस फिल्म में सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो जैसे ओ माय गॉड 1 में ह्यूमर जितना था और एक अहम मुद्दे को उन्होंने सामने लाया, ठीक उसी तरह ओ माय गॉड 2 में भी ह्यूमर काफ़ी है, इनफैक्ट इतनी अच्छी है कि आप सेकेंड हाफ में हंसते ही रह जाएंगे, साथ ही साथ एक अहम मुद्दे को उन्होंने टच किया, यहाँ पर वो मुद्दा है सेक्स एजुकेशन, पहले फिल्म में मुद्दा था अंधविश्वास, और जैसे कि पहले फिल्म में ठीक उसी तरह दूसरे फिल्म में भी ह्यूमर के वजह से कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता है, उस मुद्दे को हल्के तरीके से लिया गया है और उस मुद्दे को सामने लाने के लिए
उस मुद्दे वो मुद्दा कितना भारी है ये चीज़ बताने के लिए कभी भी वे फिल्म प्रीची नहीं होती है, कभी भी ह्यूमर दब नहीं जाता। डायरेक्टर अमित राय ने कमाल का बैलेंस किया। सबसे अच्छी बात सेक्स एजुकेशन इस देश में इतना पीछे है, उन्होंने इस चीज़ को ऐसे दिखाया कि परिवार के साथ देखने में आपको आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि धर्म के साथ उन्होंने इस चीज़ जोड़ा है। कैसे हज़ारों साल पहले धर्म के द्वारा सारे लोगों को सेक्स एजुकेशन सिखाया जाता था, लेकिन आज इसी चीज़ में हमारा देश जो है पीछे रह गई और बाकी देश जो है आगे आ गई है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो पंकज त्रिपाठी ऐसा लगता है इस रोल के लिए बने हैं, लेकिन वो हर रोल के लिए ऐसे ही लगते। यामी गौतम कमाल की टक्कर देती है उनको, पवन मल्होत्रा दोनों के बीच में कमाल का वॉइस ऑफ रीजन है, और अक्षय कुमार उसी तरह कैमियो निभाते जिस तरह से कैमियो होना चाहिए। गानों का ज़्यादा अहम योगदान नहीं है, लेकिन हम गाने मिस्टेक करते हैं। फिल्म थोड़ी सी लंबी है, एडिटिंग के द्वारा उसको थोड़ा सा काटा जा सकता है, और लास्ट सीन जो है थोड़ा सा पापेच लगता है, लेकिन फिर भी मज़ा आता है, फैमिली के साथ देखना चाहिए। 5 बजे स्टार्ट होगी। OMG 2 आउट हो चुकी है, आप देख चुके हैं, कैसी लग रही है मूवी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिल्म देखी मैंने, फिल्म मुझे अच्छी लगी, मैं सजेस्ट करूँगा एक बार, शायद आपने भी फिल्म देखी आपको भी अच्छी लगी होगी, और कल रिलीज होने वाली है, ऑडियंस को भी अच्छी लगी, उनका सब्जेक्ट अच्छा है, अभी गोता में अच्छी बात ऐसी बात है, लोगों को फिल्म पसंद है, मेरी सब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है, फिल्म एक बार देखने जाएंगे लोगों को जरूर पसंद। जैसे आपने बात की सब्जेक्ट की, तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की गई है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो एक्चुअली क्या था, जो इसमें मेन चीज़ है कि एजुकेशन, परफेक्ट एजुकेशन के मेन मुद्दा आता है कि वो मान के नाम और सब्जेक्ट इसमें दूसरा आता है, तो लोगों पहले वाली अगर हम देखे जाए तो पहले का सब्जेक्ट बहुत अलग था, परेश छत्र थे वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई, ये चीज़ें इसको सब्जेक्ट को चेंज कर दिया है। बट एक अगर हम सब्जेक्ट पे अगर लोग ऑडियंस सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे फिल्म को, जाहिर सी बात है ऑडियंस को कैच होगा, फिल्म समझेंगे, देखेंगे सेक्स एजुकेशन के ऊपर फिल्म के साथ पहले पढ़ाया जाता था, पहले इंग्लिश स्कूल होगा या बड़े स्कूल, उसको नहीं कहते कि गवर्नमेंट स्कूलों में जो है वो टाइम पर ज़रूरी चीज़ें होती थी, जिस तरीके से उसने 22 पेज बताया तो लोगों को समझ आएगी, लोगों को एक मैसेज मिलेगा कि ये चीज़ें कहाँ चीज़ गलत है, कहाँ ऐसा नहीं कि सारी चीज़ अच्छी ही है, चीज़ें गलत भी है, लेकिन उस गलत को किस तरीके से ठीक किया जाए, किस तरीके से बताए, वो चीज़ फिल्म में बताया। ओके, सो पंकज त्रिपाठी हैं, पंकज त्रिपाठी तब मैं उनके कैरेक्टर को अपने रोल को कितना जस्टिफाई करता है? पंकज सर की बात की, पंकज सर को देखो खुद में एक बड़े स्टार, ठीक है, खुद में अदाकार एक्टर हैं, उनके तो खाली आंखों के इशारे या उनकी बड़ी उनकी चीज़ें वही काफ़ी कुछ किया जाती है, तो पूरी फिल्म का अगर बेस देखा जाए तो पंकज सर ने सेकेंड यामी गौतम जो कि कैस लगी काफ़ी सारी फिल्म, अक्षय कुमार जी आए बीच बीच में उनका भी रोल अच्छा खासा रहा, जहाँ जहाँ उनको आना चाहिए, सबसे मेन चीज़ें कट्टू पर जहाँ जहाँ उनको होना चाहिए वो चीज़ उनको दिखाया, वो बेस्ट पार्ट है। सो बात करें तो मूवी का कॉन्सेप्ट आजकल के यूथ के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग था, इसलिए आगे फ्यूचर में ऐसी मूवी और यूथ के लिए आप देखो, अगर ऑडियंस केस करेगी, ऑडियंस को पसंद आएगी तो जाहिर सी बात है आगे भी बन सकती है, वो डिपेंड होता है ऑडियंस के, लेकिन मुझे लगता है कि सर ऑडियंस को पसंद आएगी, और मैं सजेस्ट करूँगा एक बार जरूर देखें ताकि लोगों को पता चले पसंद आए। साथ ही गदर 2 भी आज ही रिलीज हुई है, दोनों क्लैश होते हैं, लोग उसका वेट कर रहे हैं, तो अभी देखने के बाद मालूम पड़ेगा, ट्रेलर देखा लोगों को पसंद आया, गाने देखे पहले के भी दो गाने उसमें रीमेक किए गए वो भी पसंद आए, और 23 साल बाद बाजी वापस आ रहे हैं, गदर तो मचाएंगे। सो 5 आउट ऑफ़ कितना स्टार देना चाहिए? मैं इसको तो 5 में 5.5। और ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑडियंस को एक ही चीज़ कहूँगा कि वीकेंड का टाइम हो, फिल्म ये भी आ रही वो भी आ रही, टाइम रहेगा दोनों ही फिल्में जाकर देखें, ये भी जाकर देखें गदर 2 भी जाकर देखें। थैंक यू सो मच। OMG 2 आउट हो चुकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसी लग रही है मूवी? विन कम्पिटी फारूक बैंड बजाओ हंसी मजा से लेंगे सीरियस टॉपिक्स एवरी फ्रीडम ऑफ लिबर्टी पूरी तरह से मूवी में, स्पेशली व्हेन इट्स कम टू सेक्स टॉपिक मास्टर पेशेंट पीरियड एंड एवरीथिंग, बहुत ही वाला लाइक बेस्ट मूवी बनी है, काफ़ी बोल्ड टॉपिक को अच्छी तरीके से लिया है, जैसे हंसी मजा बच्चे क्या करते हैं, इसमें दिखा गया ऑडियंस को, मतलब बेंच चिपका के रखी टॉपिक, ये नहीं कि हाँ यार अश्ली का वो एकदम गंदी तरीके से दारी, सबसे सब बेस्ट पार्ट मुझे रहे इसमें कोर्ट डिबेट, मुझे बड़े शाहौर जी का वो कोर्ट डिबेट याद आ रहा, फिर उसमें बी ए एल एल बी का वो भी कोर्ट, उसका भी कोर्ट मैटर मुझे ज़्यादा याद आ रहा,
पंचिंग डायलॉग्स है, डायलॉग वही बस सुपर। जब यामिनी को छेड़ रहे थे, संस्कृत से छेड़ रहे थे, 36, 24, 36 पीछे से बैठ के उनको बता रहे थे वो जज। जो मूवी का बेंचमार्क है ना, अक्षय कुमार ने तो दिल जीत लिया सीरियसली। शिव जी का जो क्योंकि हर हर महादेव शिव कांडव गाना, मन तो कर रहा था यार नाचना चालू कर दो, उज्जैन चले जाओ यार, इतने अच्छे सीन है। तो परेश रावल कितना मिस किया आपने मूवी में? डेफिनेटली डेफिनेटली, ओ माय गॉड, इट वाज एक बेंचमार्क है और ये इसका सेकंड फ्रेंचाइजीज है। ऑब्वियसली थोड़ा भी चाहते हैं थोड़ा सा गेस्ट अपीयरेंस मिल जाए उनका भी, लेकिन जो प्रकाश तिवारी ने उन्होंने जो भी है उनका नाम मेरे को ध्यान में नहीं है, उन्होंने ये जो मूवी में जो हाजी 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 करके करके ना बोलते दिल जीत लिया बिहारी रह गया, मुझे गर्व होता है कि मैं बिहारी, वो हमारे बिहारी एक्टर है। सो बात करें तो कितने स्टार देना चाहेंगे आप, स्टार कितने देना चाहेंगे? स्टार फुल ऑन 5 यार, कंप्लीटली पैकेज, एंटरटेनमेंट हर चीज़ है मूवी में, हंसी मजाक है, एंड का जो क्लाइमैक्स है सब जो हाथ देके खड़े हो जाते हैं, हाँ मैं भी जज तेरा बाप को जज का बाप रहता है वो सीन है, और इसे टाणी तक बजाई एंडिंग में। दिस इज व्हाट द मूवी इज ऑल अबाउट, इट्स कंप्लीटली एनिमेशन, इट्स नथिंग मोर देन जस्ट अबाउट एनिमेशन। सेक्स टॉपिक किस अच्छी तरीके से प्राइमरी में बच्चे लोग, क्या आजकल ईजी है, पास आके बच्चे यहाँ तक मोबाइल है कुछ भी सर्च कर सकता, कुछ भी नहीं करता, वही उसमें ये लिखा है क्या अच्छा टच है क्या बुरा टच है, इसके बीच में डिफरेंस हो बच्चे को समझाना जरूरी है, यही मूवी में बताया। आई रिक्वेस्ट करो अपने फैमिली के साथ आओ, देखो, इंजॉय करो, मज़ा आ जाएगा। साथ ही गदर 2 भी आई है, दोनों काफ़ी गदर 2 वो अलग मूवी है, वो इंडिया और पाकिस्तान का मूवी है, तो उसमें धर्म बाजी है, वो भी मूवी देखेंगे, ये भी देखेंगे। आज तो मैंने रणनी का मूवी देखा, इसका मतलब हमारे पास तीनों मूवी है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे, तीन मूवी तीनों इन्जॉय करो। ओके, थैंक यू।